के विरुद्ध जो अलग अलग तरह के माफिया हैं, चाहे वो चिटफंड का हो, चाहे भू माफिया हो, शराब में लिप्त माफिया हो या गैम्बलिंग का माफिया हो, उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसमें अभी लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परसों ही इसमें काफ़ी मात्रा में हथियार हम लोगों ने जब्त किए हैं। आज फिर थाना राजगढ़ पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है। इसमें बेसिकली जो स्पिरिट होती है, जो ओपी जिसे कहा जाता है नॉर्मली, उसको करीबन 1400 लीटर स्पिरिट जब्त की गई है। स्पिरिट को मिक्स करके अल्कोहल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार ये डीनेचर्ड स्पिरिट भी होता है, जिसकी वजह से जहरीली शराब भी बन सकती है और इसका सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार इसमें मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। इसी तरह की एक सूचना प्राप्त हुई कि ये डीनेचर्ड स्पिरिट को यहाँ से ले जाया जा रहा है और इसका इसी तरह का जो अल्कोहल है वो बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एक अशोक लीलैंड पिकअप MP39G3592 ये जब रोका गया तो इसके जो ड्राइवर और क्लीनर है उन्होंने भागने का प्रयास किया। जब इनको पकड़ा गया, गाड़ी के पीछे देखा गया तो इन्होंने जो स्पिरिट है वो गद्दों के नीचे छुपाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें टोटल 7,80,000 रुपये की करीबन 1380 लीटर स्पिरिट पाई गई है, जो 23 अलग अलग रंग के जो कैन है उसमें भरी हुई है। इसको ले जाने में दो ब्यावरा के युवक हैं, उनका हाथ था, दोनों ड्राइवर क्लीनर, और गाड़ी भी उसी के नाम से है। गाड़ी को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक नाम और निकल कर आया है जो राजगढ़ जिले का ही है, ब्यावरा से ही जुड़ा हुआ है, जिसका द्वारा इसको सप्लाई किया जा रहा था। अभी ये व्यक्ति फरार है। इसके संबंध में अभी और पूछताछ करके इसको भी पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। प्लस हमें उम्मीद है कि वो जो तीसरा व्यक्ति है उसके पकड़ने के बावजूद बाद ये पता चल पाएगा कि ये कहाँ ले जा रहे थे और इन्होंने इसे कहाँ से प्रोक्योर किया है। जो भी लोग इस पूरी चेन में होंगे उन सभी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।